हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का रीना कुकिंग ब्लॉग में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आलू की सब्जी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आलू को अच्छे से छील कर छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। एक प्याज, एक टमाटर, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, एक मिर्च को मैंने भी कट कर लिया है। इसे मैं मिक्सी के जार में रख के इस मसाले को पीस लूँगी। जो कि आप देख पा रहे हैं, मैंने मसाले को पीस चुकी हूँ। मैंने एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसमें सभी मसाले एक एक करके डाल दूँगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद हल्दी पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। तो मैं इसी तरह से सब्जी बनाती हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर अब दे रही हूँ। देने के बाद और सब जो मसाले हैं मैं वो भी डाल दूँगी एक एक करके। देखिए मैं क्या क्या डाल रही हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मैं चीनी भी दूँगी। ये ऑप्शनल है, आप लोग को पसंद आएगी तो आप लोग दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। और यहाँ 1 चम्मच गर्म मसाला और धनिया जीरे का पाउडर। सभी मसाले को देने के बाद मैं इस मिश्रण को अच्छे से मिला लूँगी 1 चम्मच से, ताकि मसाला थोड़ी देर फूल जाए। और जो मिक्सी के जार में पानी था वो भी मैं डाल देती हूँ। अलग से मैंने पानी नहीं लिया है। तो आप लोग कैसे सब्जी बनाते हैं एक बार ज़रूर मुझे भी रेसिपी बताएं, तो मैं भी अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों को और भी ला के दूँगी। तो मैं यहाँ पर सभी को अच्छे से मिला लेती हूँ। मिला लेने के बाद गैस ऑन करके मैंने कुकर को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। कुकर भी गर्म हो गई थी तो मैंने उसमें सरसों का तेल भी डाल दिया है। अब थोड़ी देर में सरसों का तेल भी गर्म हो जाएगी तो इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा दे दिया है। जीरा देने के बाद 1 तेज़पात दे दिया, कुछ खड़े गर्म मसाले भी दे दिया। मैंने हरी मिर्च को पीस लिया था इसलिए मैंने इसमें नहीं दिया है, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। तो ये सभी सामान देने के बाद, मसाले देने के बाद मैं इसे थोड़ी देर भून लूँगी। भून लेने के बाद जो मैंने आलू कुछ कट करके रखा है, अब मैं वो आलू थोड़े थोड़े करके डाल देती हूँ। डाल देने के बाद मैं आलू को अच्छे से 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, मैं थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए आलू को अच्छे से भून ली हूँ। और मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया है कि मैंने अच्छे से आलू को भून लिया। और जो मैं मसाला तैयार करके रखी थी, अब मैं वो मसाले भी दे देती हूँ सब्जी में, आलू में। और इस मसाले को मैं अभी फुल गैस है मेरा, और इसे मैं थोड़ी देर इसी तरह से भून लूँगी। उसके बाद मैं गैस को कम कर दूँगी, पूरी तरह से सिम कर दूँगी और ढक्कन ऊपर से ढक के 3 से 4 बार हटा हटा के, ढक्कन को हटा के मैं इसी तरह से आलू को भूनूंगी जब तक कि मसाला सूख न जाए कुकर में। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि अच्छे से मैं भूनते भूनते, देखिए ये सूख चुका है। और अभी सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ था, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी। तो यहाँ पे पूरी तरह से मसाला सूख चुका था। मैं यहाँ पे रोटी के साथ खाऊंगी, इसीलिए मैं कम पानी दे रही हूँ। यदि आप लोग चावल के साथ बनाई है सब्जी तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी दे के इसे 3 सीटी लगा लें। मैं भी 3 सीटी लगाई थी। लगाने के बाद मेरी सब्जी बन चुकी है। आप लोगों को ये सब्जी की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। यदि मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो यहाँ पे मैं देख रही थी गैस पूरी तरह से कुकर का निकल चुका था, तो मैं फिर ढक्कन खोल के आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सब्जी कैसी बनी है। देखिए मुंह में आ रहा है ना पानी। ज़रूर ऐसा सब्जी आप लोग बना के ज़रूर खाएं। मैं तो आप लोगों को दूर है तो मैं आप लोगों को नहीं खिला सकती हूँ। यदि आप लोग कोई खाना चाहते हैं तो मेरे पास ज़रूर आएँ, मैं आप लोगों को ये सब्ज़ी रोटी चावल जिस चीज़ के साथ आप लोग पसंद करेंगे मैं आप लोगों को खिलाऊँगी। तो मेरी सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर कमेंट में बताएं, और किसी को आप लोग ये शेयर भी कर सकते हैं। आप लोग के कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, तो उम्मीद है आगे और आप लोग मुझे लेके जाइएगा। और मेरी रेसिपी यदि आप लोग को पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, या ब्लॉग होगा या रेसिपी ब्लॉग होगा मैं ये नहीं जानती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।